हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल सिद्धार्थ लाइव पर। और यहाँ पर आपका दोस्त सिद्धार्थ शुक्ला लेकर आ गया है आपके लिए एक बहुत बढ़िया इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस का एक सेशन मैं पूरा चलाने वाला हूँ। ये खुद सेशन जो मैंने 2020 में अपने गेट के इंटरव्यूज़ दिए हैं वेरियस IITs में, उनका एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँगा यहाँ पर, जहाँ पर मैं सबसे पहले IIT गांधीनगर का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। मैं आपको बता दूँ कि बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं कि यार सामने मेरे दोस्त के तो 750-730 मार्क्स हैं यार, उन्हें तो IIT मिल जाएगा, मेरे तो 550 ही गेट स्कोर है, काफ़ी लो मार्क्स है, 40-50 नंबर है मेरे, मुझे कैसे एक अच्छा IIT मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ लोगों के दिमाग में बैठी हुई है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बहुत ज़्यादा मार्क्स लाने वाले डायरेक्टली IIT में जा सकते हैं, बहुत ही कम मार्क्स लाने वाले भी गेट के थ्रू। यार देखो, सिचुएशंस बहुत अलग होती हैं, कई लोगों के साथ ये दिक्कत हो जाती है कि ही वॉज वेरी प्रिपेयर्ड, बट जब वो इंटरव्यू मतलब जब उन्होंने पेपर लिखा तो उनका पेपर थोड़ा ख़राब हो गया। तो इसी वजह से IITs ने वेरियस रिसर्च प्रोग्राम्स बना चला के रखे हुए हैं कि जो लोग जिनका मोटो रिसर्च करना है उनको वो एक अलग तरीके से एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। IITs कम गेट स्कोर वालों को भी बुला रहे हैं और डायरेक्टली बहुत सारे ऑफर्स दे रहे हैं। यहाँ पर मैं खुद के इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस तो बताऊँगा, बाकी वेरियस जो मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने वेरियस IITs के इंटरव्यू दिए हैं उनको भी मैं यहाँ पर बुलाने वाला हूँ। वो आएंगे, अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस यहाँ पर उसके बारे में बताएंगे। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ अपने पहले इंटरव्यू जो है IIT गांधीनगर मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग में M.Tech का। देखो मैं आपको बता दूं कि IIT गांधीनगर एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कोप के थ्रू, जो कॉमन एप्लीकेशन पोर्टल होता है IITs के एडमिशन के लिए, जैसे CCMT हमारा NITs के लिए होता है तो वैसा ही है, बट IIT गांधीनगर का एक प्रोसीजर है कि वो अपने सारी ब्रांचेस का इंटरव्यू खुद कंडक्ट कराता है, अलग से रिजल्ट देता है, रिजल्ट कोप में नहीं आता है क्योंकि कुछ रीजंस होंगे हर IIT के अपने कुछ पर्सनल रीजंस हैं। मैं आपको बता दूं पहले IIT गांधीनगर के बारे में, IIT गांधीनगर पड़ता है गांधीनगर जो है कैपिटल ऑफ गुजरात, वहाँ पर पड़ता है, बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर कैंपस का, बहुत ही अच्छी टीचिंग फैसिलिटीज़, फॉरेन एक्सपोजर वेरी हाई और प्लेसमेंट्स भी अच्छे हो जाते हैं वहाँ पर। और एक बहुत अच्छी चीज़ बता दूँ मैं आपको, वहाँ पर 2008 में न्यू IITs में आता है, पर बहुत ज़्यादा न्यू में नहीं, 2008 में ये IIT को खोला गया था। तो मैंने यहाँ पर M.Tech में मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग का इंटरव्यू दिया था। तो मैं आपको इंटरव्यू एक्सपीरियंस पूरा शो करता हूँ, क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए थे मैं आपको बताता हूँ, और कैसा मेरा पूरा जर्नी रहा था इंटरव्यू सेशन के दौरान। मैं आपको बता दूँ कि मेरे टीचर्स पैनल में दो टीचर्स थे, वन वॉज द HOD ऑफ मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड सेकेंड एक मैम थी जो मेरा इंटरव्यू ले रही थी। तो सेशन कुछ इस तरीके से रहा, सबसे पहले HOD सर ने स्टार्ट किया, एक ग्रीटिंग हुआ, उसके बाद उन्होंने सबसे पहले क्वेश्चन रेज किया कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। सो एक्चुअली मैं बिलोंग करता हूँ इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग ब्रांच से, और मैं इंटरव्यू दे रहा था मटेरियल साइंस से इंजीनियरिंग में। एक्चुअली मुझे मटेरियल साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए मैंने वेरियस IITs में मटेरियल साइंस डिपार्टमेंट में ही अप्लाई किया था, क्योंकि मुझे मटेरियल साइंस पर्सनली बहुत अच्छा लगता है पढ़ना वहाँ पर। तो आपको बताऊँ तो उन्होंने टेल मी अबाउट योर सेल्फ से किया, तो मैंने अपना एक इंट्रो दिया। मैं आपको बता दूँ कि इंट्रो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो इंट्रो बताओ उसमें जनरली अपना 10th 12th, फिर अपने BTech प्रोजेक्ट, अपनी समर इंटर्नशिप वगैरह वगैरह को जोड़ें, ना कि आप वहाँ पर अपनी हॉबीज़ और इनफॉर्मल डिटेल्स दें, थोड़ा टेक्निकल डिटेल्स बताएं आप वहाँ पर। उसके बाद टेल मी अबाउट योर सेल्फ के बाद उन्होंने एक क्वेश्चन मुझसे रेज किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट, उन्होंने बोला व्हाई डू यू वांट टू जॉइन M.Tech। तो मैंने उन्हें बताया कि मुझे क्यों M.Tech ज्वाइन करना है, क्योंकि मुझे हायर स्टडीज़ करना है, मुझे रिसर्च फील्ड में जाना है, मैंने उन्हें बताया। वो सबका अपना अपना व्यू पॉइंट हो सकता है। उसके बाद मेरा उन्होंने मेरे से अगला क्वेश्चन रेज किया कि आर यू फ्रॉम जनरली अ प्रोडक्शन और मैकेनिकल बैकग्राउंड, सो वाई डू यू गोना जॉइन मटेरियल साइंस। तो मैंने उन्हें बताया कि मटेरियल साइंस मुझे क्यों चाहिए, क्या अच्छा लगता है, क्यों इम्पॉर्टेंट है मटेरियल साइंस। उसके बाद एक बहुत
इम्पॉर्टेंट उन्होंने क्वेश्चन रेस किया, जैसे एरिया ऑफ इंटरेस्ट, कि तुम्हारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो मैंने बताया मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट नैनो टेक्नोलॉजी है। तो उन्होंने फिर नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर मुझसे दो तीन क्वेश्चन रेज किए, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, क्या क्या बनाया गया है, जैसे ग्रेफीन हो गया, नैनो वायर्स हो गया, तो ये थोड़ा थोड़ा इनके बारे में डिटेल्स पूछा, नैनो पार्टिकल्स क्या होते हैं, नैनो मटेरियल क्या होता है। देन ही स्टार्टेड लाइक प्योर मटेरियल साइंस इंटरव्यू। फर्स्ट ही आस्क्ड मी के व्हाट इज़ योर फेवरेट टॉपिक्स इन मटेरियल साइंस। सो मैंने बोला कि सर आयरन कार्बन डायग्राम, ट्रिपल टी डायग्राम्स एंड हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस। तो उन्होंने स्टार्ट किया आयरन कार्बन से। तो उन्होंने मुझसे आयरन कार्बन में वेरियस चीज़ें पूछी, वेरियस जैसे परलाइट होता है तो वो किन किन चीज़ों से मिलके बनता है, टेम्परेचर वगैरह के बारे में पूछा, और सबसे टफ मटेरियल कौन सा है, इस हिसाब से उन्होंने नॉर्मल पूछा। तो वो एक नॉर्मल आयरन कार्बन ट्रिपल टी डायग्राम पर मेरा इंटरव्यू जा रहा था, उन पर वो क्वेश्चन रेस कर रहे थे। तो आप भी आयरन कार्बन डायग्राम और ट्रिपल टी डायग्राम वगैरह कह रहे पूरा पढ़ लोगे, बहुत छोटा सा रहता है और सारे आंसर्स आप इजीली बता सकते हो। उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू में उन्होंने मुझसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, क्या तुम मटेरियल साइंस में ही मतलब अच्छे हो या तुम कोई और सब्जेक्ट्स में भी बता सकते हो। मैंने कहा सर आप जनरली आई एम फ्रॉम मैकेनिकल बैकग्राउंड एंड ऑल्सो आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द गेट एग्जामिनेशन, सो आई वॉज सफिशियंट नॉलेज टू टेल एनी अबाउट एनी सब्जेक्ट लाइक थर्मोडाइनमिक्स आई कैन टेल। बट अब मेरा इंटरव्यू मटेरियल में था, बट अगर मैं थर्मो में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाता तो उन्हें लगता कि ये तो थोड़ा मैकेनिकल वाला है ना, या लो गेट स्कोर वाला है, इसलिए थोड़ा मटेरियल में इंटरेस्ट दिखा रहा है। तो मैंने उन्हें एक सिंपली बोला कि सर आप मुझसे सोम पूछ सकते हो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो मुझे पता था क्योंकि कहीं ना कहीं सोम का डायरेक्टली कनेक्शन रहता है मटेरियल साइंस से। तो उन्होंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे मुझसे क्वेश्चन रेज करना चालू किया। उन्होंने सबसे पहले मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में गए, उन्होंने मुझसे वेरियस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पूछी लाइक हार्डनेस, ब्रिटलनेस। तो मैंने उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया, तो वहाँ से उन्होंने एक क्वेश्चन चेंज करने वाली चीज़ पूछी। उन्होंने बोला कि एक बात बताओ, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई मटेरियल है जो हार्ड भी हो, टफ भी हो और डक्टाइल भी हो। तो मैंने उन्हें सिंपली एक आंसर दिया कि सर एक्चुअली ऐसा मटेरियल नहीं होता है जिसमें स्ट्रेंथ और टफनेस दोनों एक साथ मिल जाए आपको, या हार्डनेस और टफनेस दोनों मिल जाए। मैंने कहा सर आप हीट ट्रीटमेंट के द्वारा वैसे प्रोसेस बना सकते हो, जैसे केस हार्डनिंग वगैरह होती है। तो मैंने उस इंटरव्यू को ट्रांसफॉर्म करके हीट ट्रीटमेंट में ला दिया। फिर उन्होंने हीट ट्रीटमेंट में मुझसे वेरियस ऑफ थिंग्स पूछी, वेरियस ऑफ प्रोसेसेस पूछे, मैंने उन्हें बताया। उसके बाद उन्होंने क्रिस्टलोग्राफी में आ गए, क्रिस्टलोग्राफी में वेरियस ऑफ थिंग्स पूछी, मैंने वहाँ भी उन्हें पूरा अच्छी तरीके से उन्हें क्रिस्टलोग्राफी बारे में समझाया। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा अपना बीटेक प्रोजेक्ट बताओ। मैंने उन्हें अपना बीटेक प्रोजेक्ट बताया, एक्चुअली माय बीटेक प्रोजेक्ट ऑन कॉम्बी ब्रेक सिस्टम ऑन मोटर बाइक्स। मैंने जो एक्टिवा वगैरह में जो ब्रेक सिस्टम यूज़ होता है उनको मैंने वहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ था अपनी बाइक में, तो मैंने बताया। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें उसमें कैसे काम करता है, वर्किंग वगैरह क्या होती है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पूछे। फिर उन्होंने एक क्वेश्चन रेज किया, कहीं इसका मटेरियल से रिलेशन है। तो एक्चुअली जब मैं बीटेक में था तो मैंने कुछ ऐसा सोचा हुआ नहीं था कि मटेरियल से रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट बनाना है, तो मैंने उन्हें साफ बता दिया। मैं ये मानता हूँ कि अगर आपको कोई आंसर नहीं बन रहा है तो आप डायरेक्टली नो बोल दीजिए, सॉरी बोल दीजिए कि नो सर आई डोंट नो। तो वो ईजिली टाइम मत खाइए कि ओ ऐसे वैसे ये सब सोच के, ये सब नहीं करना है। सिंपली जो दिमाग में आ रहा है उसको आंसर कीजिए। उसके बाद उन्होंने कुछ क्वेश्चन पाउडर मेटलर्जी वगैरह पे पूछे, सिरेमिक्स पे पूछे। तो इट वाज अ इंटरव्यू ऑफ अराउंड 25 मिनट्स एंड जनरली टाइमिंग जो इंटरव्यू का जा रहा था वो जा रहा था लोगों का, जितना मैंने ग्रुप पे वगैरह पे देखा होता है वो 10 से 15 मिनट का लोगों का इंटरव्यू जा रहा था, बट मेरा इंटरव्यू 25 मिनट का था, बहुत ही अच्छा रहा। उन्होंने लास्ट में मुझसे एक इंटरव्यू ख़त्म होते होते उन्होंने एक लास्ट में क्वेश्चन भी पूछा मुझसे। उन्होंने बोला कि आप हमसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं क्या, आपको कुछ क्वेरी है IIT गांधीनगर से रिलेटेड। तो मैंने कुछ नहीं, मैंने उनसे वहाँ पे जो रिसर्च टॉपिक्स होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा पूछा था। तो इस हिसाब से मेरा पूरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था। तो एक मुझे लगा एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा मटेरियल साइंस में, जो मुझे आपको शेयर करना चाहिए और आपको बताना चाहिए।
तो अगर आप भी प्रिपेयर कर रहे हो एम टेक प्रोसेस मतलब उसके लिए, तो मैं एक आपको एक ऑप्शन दे सकता हूँ कि अगर आपका लो 80 स्कोर है तो आप IIT गांधीनगर में एम टेक प्रोग्राम में ट्राई कर सकते हो, आपको कॉल आ सकता है। ठीक है, तो एक ये लो गेट स्कोर पर एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस था जो मैंने आपको बताया। मैं आपको अपना गेट स्कोर बता देता हूँ, मेरा गेट स्कोर 583 था एंड मेरे पास EWS कैटेगरी था, बट उतना वो इफेक्टिव नहीं होता है EWS कैटेगरी एक्चुअली। तो जनरली मतलब जो मेरे साथ के लोग थे जनरल में, उनको 550 से लेके 650 700 तक के बच्चों को मटेरियल में उन्होंने कॉल किया था, तो एक मुझे अच्छा लगा। और मटेरियल साइंस में कोई भी अप्लाई कर सकता है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिक एंड कम्युनिकेशन CS कोई भी अप्लाई कर सकता है, दिस इज़ अ इंटर डिसिप्लिनरी ब्रांच ओपन फॉर ऑल। तो आप भी बताइएगा आपको कैसा लगा ये जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस था, अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपना लाइक और कमेंट और अपनी क्वेरीज वगैरह हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, और लगातार मैं इस तरीके से इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो तो मैंने आपको बता दिया, और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए जो गेट की तैयारी कर रहे हैं, जिनको IIT में जाना है, उनके मार्क्स कम आए हैं तो उनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं अपना मेल लिंक भी नीचे दे दूंगा, और अगर आपको मेरा दूसरा चैनल भी है सिद्धार्थ पाठशाला, और अगर आपको गेट की तैयारी करना है और वेरियस गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी करना है तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। थैंक यू बने रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए और देखते रहने के लिए। लाइक शेयर कमेंट करके जाइएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।